नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आम आदमी के अधिकारों के नाम पर बेलगाम गुंडागर्दी करवाने वालों को आखिरकार सलाखों के पीछे जाना ही पड़ गया। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट करने के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई है। देखिए, दिल्ली की राउज एनव्यू की सेशन कोर्ट ने एम्स के सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के पुराने आदेश को बरकरार रखा है, जबकि उनकी अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट का आदेश आने के साथ ही सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया था, लेकिन भारती ने उस फैसले के खिलाफ राउज एनव्यू कोर्ट में अपील की थी। इस अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्पेशल जज विकास धूल ने सोमनाथ भारती की अपील पर 23 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2 साल की कैद की सजा सुना दी है। ये मामला सितंबर 2016 का है। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी। राउत की शिकायत में कहा गया था कि 9 सितंबर की सुबह 9:45 पर सोमनाथ भारती अपने करीब 300 समर्थकों के साथ नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से तोड़ने लगे। जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने सोमनाथ भारती को मना किया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। सोमनाथ से जब कागजात मांगे गए तो उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाए और सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी और हाथापाई करने लगे। इसमें कुछ सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आई। इसके बाद मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में पहुंच गया, जहां सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया गया। इसी साल 23 जनवरी को वो फैसला सुनाया गया था। कोर्ट ने तब कहा था कि भारती पर लगे आरोप साबित होते हैं। गवाहों के बयानों से साफ है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ एम्स में हंगामा किया, रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने भारती को 2 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि उन्हें बेल मिल गई थी। इस फैसले के खिलाफ अपील में भारती ने कहा कि वो इकलौते विधायक है जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं, इसके लिए उन्हें प्रोबेशन पर रिहा किया जाए। हालांकि तब तो भारती को बेल मिल गई थी, लेकिन अब अपने कारनामों की वजह से वो फिर से जेल पहुंच गए और अगर ये सजा बरकरार रही तो अब उनकी विधायकी भी जा सकती है। ये महज एक मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई बार लोगों ने देखा है कि केजरीवाल कंपनी के नेता कैसे मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए लोगों को धमकाते रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।